I spoke to Congress in charge for Gujarat, Raghu Sharma, about exactly what the party's campaign focus had been. Listen in to Raghu Sharma. Raghu Sharma ji, ye bataiye, इस चुनाव में क्या कांग्रेस ने एक रणनीति बना ली है कि हम लोकल इश्यूज पर बात करेंगे, हम मोदी वर्सेस राहुल नहीं करना चाहते? क्या इज दिस द स्ट्रेटेजी कि लोकल करो, हम राहुल वर्सेस मोदी नहीं जीत सकते? सीधी स्ट्रेटेजी है गुजरात का चुनाव जीतना। 24 का चुनाव आएगा तो मोदी जी बीच में आएंगे। ये चुनाव तो सीधा लोकल इश्यूज पे है। आज गुजरात की जनता किस हाल में जी रही है 27 साल बाद, उसका हिसाब देना है बीजेपी को। बीच में मोदी जी कहाँ गए? नहीं, चीफ मिनिस्टर नहीं उनका। नहीं, बट मोदी जी के नाम पर बीजेपी चुनाव एक तरह से लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं मोदी जी की लोकप्रियता का बीजेपी एडवांटेज ले रही है गुजरात में, और कांग्रेस का उसका क्या रिस्पांस है? अगर लोकप्रियता है तो 8 तारीख का इंतजार करना चाहिए बीजेपी को। आज आम आदमी महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, इलिसिट लीकर लोग मारे जा रहे हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग का सेंटर बन गया गुजरात, 22 पेपर लीक हुए, नई भर्ती हुई नहीं, मोरबी जैसी घटना होती है, बीजेपी के लोगों का हाथ होता है, उनको संरक्षण मिल रहा है, किसी को पनिशमेंट नहीं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, यहाँ क्या सरकार नाम की चीज नहीं है? और 4 साल बाद कोविड मिसमैनेजमेंट में पूरी सरकार बदली आपने, मुख्यमंत्री बदला, पूरी कैबिनेट बदली, उसके बाद जो नई सरकार आई उस सरकार के लिए बीजेपी के अध्यक्ष क्या बोलते हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर बहुत सीधे हैं, उनको ये मालूम नहीं है कौन सी फाइल पे साइन करना है और कौन सी पे नहीं करना है, इसलिए हमको चौकस रखनी पड़ती है। ये रिमोट कंट्रोल गवर्नमेंट गुजरात को कब तक देंगे आप? नहीं नहीं, मोदी जी खुद क्यों नहीं चुनाव लड़ते? नहीं, सवाल ये है कि बीजेपी अमित शाह आते हैं और कहते हैं कि हमने एक सबक सिखाया 2002 के बाद, मोदी जी कहते हैं कांग्रेस के राज में यहाँ तूफान होता था, अमित शाह जी भी यही कहते थे कि कम्युनल राइट्स जब कांग्रेस की सरकार थी तब होता था, वो कहते हैं कि टेररिज्म को संरक्षण कांग्रेस ने दिया, तो उन्होंने एक तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या टेररिज्म हो, उन्होंने कहा ये नेशनल इलेक्शन है, ये गुजरात के इश्यू नहीं है। और जो पुरानी बातें ले लेके वो आ रहे हैं, हर चीज का जवाब कांग्रेस दे सकती है, लेकिन आज गुजरात की जनता जवाब मांग रही है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, हम जवाब मांगते हैं, वो जवाब नहीं है उनके पास। आपके पास क्या रोड मैप है महंगाई कम करने का? आपके पास क्या रोड मैप है बेरोजगारी कम करने का? आपके पास क्या रोड मैप है देश की इकोनॉमी को ठीक करने का? उस पर बात नहीं कर रहे। नहीं, आपके पास कांग्रेस के पास क्या रोड मैप है कि अगर कांग्रेस की सरकार आए तो कर्फ्यू नहीं होगा, दंगे नहीं होंगे? ये बीजेपी का कहना है, हमारे 80 और 90 के दशक में दंगे हुआ करते थे। ये दंगों के पीछे किसका हाथ था? हमारे यहाँ कहावत है कि जब चोरी रोकनी हो तो चोर को थानेदार बना दो। कौन दंगों के पीछे था गुजरात की जनता जानती है, इसलिए मेहरबानी करके इन सब इश्यूज को मत लाओ, बात करो महंगाई पे, बात करो बेरोजगारी पे, बात करो अर्थव्यवस्था पे, पेट में रोटी चाहिए आदमी, हाथ में रोजगार चाहिए। ये जो मुद्दे ला रहे हैं ना, वो इसीलिए ला रहे हैं कि पूरी तरह से फेल हुई है गवर्नमेंट यहाँ।